अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जो है लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट से हमेशा टाइमली इन्फॉर्म रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप एक थम्स अप ज़रूर दे दिया करें और शेयर कीजिए करें अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एंड कस्टमर्स के साथ। और हमेशा जो है कमेंट्स में बताया करें कि वो वीडियो में आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या किस तरह की नई वीडियोज़ आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। रेंजर 2 कैमरा, ठीक है, इसका मॉडल है A22EP, ठीक है। और इसमें कुछ नए फंक्शन है जो डिटेक्शन और स्मार्ट ट्रैकिंग का, कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही डिटेक्ट करेगा एक तो रिकॉर्ड कर सकता है, दूसरा ये कि आप इनेबल करते हैं कि वो ट्रैक भी करे साथ साथ। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जो वर्किंग वूमेन्स होती हैं जो अपने कोई काम करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी जो है ना उसके लिए आप जो है ना घर में कैमरा रखते हैं, टेबल पे कैमरा रखते हैं और बच्चा जैसे जैसे मूव होता है तो कैमरा उसके साथ 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 मूव होता है, तो आप उसमें उसको मॉनिटर कर सकते हो सही तरीके से। इस तरह पेट्स के लिए लोग लगाते हैं कैमराज, ये घर में पेट्स अगर हैं जैसे डॉग है, कैट है, उसकी उसकी ट्रैकिंग है, ठीक है। इसी तरह जो है ना हम उनके साथ टू वे टॉक का फंक्शन भी है, घर में बच्चों के साथ आप बात कर सकते हैं, कुछ मेड वगैरह के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना रेंजर प्रो में इसमें टू वे कम्युनिकेशन और स्मार्ट ट्रैकिंग ये की फीचर है, बाकी सारे फंक्शन आईमो के वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसमें दो फंक्शंस हैं, एक ये कि लैन पोर्ट भी इसमें दी हुई है, ठीक है। लैन पोर्ट से आप जो है डायरेक्टली एनवीआर के थ्रू कनेक्ट करके इसको जैसे एक नॉर्मल आईपी कैमरा कॉन्फ़िगर करते हैं उसी तरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लैन पोर्ट आप निकाल देते हैं तो आप इसको मोबाइल के थ्रू उसी प्रोसीजर के थ्रू जो हमने लास्ट वीडियो में भी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसमें भी बात की थी, उस तरह से भी आप इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको लैन के थ्रू किया है, लैन के थ्रू किया है तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर इसका डिफ़ॉल्ट आईपी भी आ रहा है 108 इसका है, ये इस वक्त अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर ना इसको अगर हम लैन पोर्ट से इनेबल करते हैं तो इसका वाईफाई मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम लैन पोर्ट से इनेबल करते हैं तो इसका वाईफाई ऑफ हो जाएगा, और अगर वाईफाई करेंगे तो फिर लैन मोड इसका ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये स्विचिंग है इसके आपस में, ठीक है। लैंड पोर्ट बाई डिफॉल्ट स्टेटिक आई पी है 108, और जो दूसरा जो स्टेट जो दूसरा मोड है वाई फाई उसमें DHCP पे आप इसको लास्ट कैमरे की तरह इसको कन्फिगर कर सकते हैं। देखते हैं कि जो है ना इसको आईमो ऐप के जरिए किस तरह से कॉन्फ़िगर करना। पहले वेरीफाई कर लें कि ये ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है आपकी, ठीक है। और दूसरा ये कि लैन केबल मैंने इस वक्त डिस्कनेक्ट किया तब ये ग्रीन लाइट है। अगर मैं इसकी लैन केबल दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ तो जो है ये दोबारा से जो है ना स्टेबल हो जाएगी, यानी कॉन्फ़िगर अनइनिशियलाइज शो करना शुरू कर देगी। अभी हम इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इसके पीछे एक क्यूआर कोड है जिसको हम स्कैन करेंगे। ये अब हमारा कैमरा ऐड हो चुका है, इसको ये अब गाइड करता जाएगा साथ साथ, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। ये वाईफाई का पासवर्ड देंगे यहाँ जिससे आपने कनेक्ट करना है इसको। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि वेरीफाई करेंगे ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है तो नेक्स्ट। ये कह रहे हो कि वॉल्यूम अपना मोबाइल का ऊंचा कर लें। अब ये जो है आपने इसके माइक को आवाज़ सुनवानी है, ये अब कनेक्ट हो गया। अब ये क्लाउड से जो है अपनी रजिस्टर कर रहा है डिवाइस को क्लाउड पे। डन, ये आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में बता रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है क्लाउड स्टोरेज का तो आप यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। ये लाइव व्यू आप देखते हैं।
ये क्योंकि एक PTZ कैमरा है तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं अंदर से। ओके, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है सेटिंग्स में। सबसे पहले अगर फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो फीचर्स में आपको ये बताएगा कि कैमरे के क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं इस वक्त। ये इसमें फीचर्स हैं, टू वे टॉक है, वाईफाई और इथरनेट बोथ है, मोशन डिटेक्शन है, PTZ है, प्राइवेसी मास्किंग है, लोकल रिकॉर्ड है, पर्सन डिटेक्शन और स्मार्ट ट्रैकिंग, दो फंक्शन ये नए फंक्शन हैं इसमें। ह्यूमन डिटेक्शन अगर इनेबल करेंगे तो ये जैसे इसके सामने ह्यूमन आएगा तो ये इसको ट्रैक करेगा। और स्मार्ट ट्रैकिंग में आपके पास ये है कि उसको ट्रैक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक भी करेगा। आईमो जो है ना डायरेक्टली जो है ना फर्मवेयर अपग्रेड कर रहा है, आईमो में अपडेट आई हुई थी, कैमरा खुद अपडेट कर रहा है, ये फर्मवेयर इसका डाउनलोड हो रहा है इसके ऊपर। पहला वर्जन था 27.6 का, अब जो है 14.8 का, 2 महीने लेटर का ये अब अपडेट कर रहा है फर्मवेयर। इस वक्त कैमरे की लाइट ब्लिंक कर रही है रेड और ग्रीन में।